हाल फिलहाल में कई अभिनेत्रियां आगे आई हैं और उन्होंने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच हो या बहुत सारी ऐसी चीजों का खुलासा किया जिसको लेकर आज तक उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई थी। अब बॉलीवुड में स्ट्रगल को लेकर स्ट्रगलर्स के साथ क्या क्या होता है, ऋचा चड्ढा ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया कि कैसे जो है जब वो भोली थी तो उनका भी फायदा उठाया गया। वो भोली थी इसलिए वो भी लोगों की बातों पर विश्वास कर लेती थी। ऐसा लगता था कि मानो वो ऋचा के वेलविशर हैं और उनके भले की ही बात कह रहे हैं। तो ऋचा ने अब एक पोस्ट साझा किया है और उसमें लिखा कि बॉलीवुड का जो काल्पनिक पता है वो बांद्रा और गोरेगांव के बीच का है। जब यहाँ के लोग आपके साथ आपको ऐसा काम करवाते हैं तो आपके स्वास्थ्य और आपके करियर के लिए हानिकारक होता है, तो वे आपको बताएंगे कि वे आपके लिए कितना अच्छा है और आप उन पर विश्वास रखें। जब मैं भोली थी मैं भी उन पर विश्वास कर लेती थी। वहीं नेपोटिज्म को लेकर भी उन्होंने कहा कि मीडिया हमेशा अक्सर ये लेख लिखता रहता है कि यहाँ पे भाई भतीजावाद है, फिल्म उद्योग को वो बर्बाद कर देगा, जबकि बॉलीवुड का हर बड़ा नाम पुराने ढर्रे का पालन करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने इन लेखों को खारिज भी करता रहता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भाई भतीजावाद है, तभी तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं उनके बच्चों को कितने आसानी से लॉन्च कर दिया जाता है। आगे जो है ऋचा अपने पोस्ट में लिखती हैं, अंत में यदि OTT VR और भविष्य में अन्य चीज़ों को बचाना है तो तेजी से सुधार करना होगा, कृपया वक्त की नज़ाकत को समझें। तो जाहिर सी बात है कि ऋचा चड्ढा ने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि कैसे जब वो नई थी, स्ट्रगलर थी, भोली थी, तो उनका भी फायदा उठाया गया और ऋचा खुद भी ऐसे लोगों की बातों में आ जाती थी।